ओम अरहम। बीए तृतीय वर्ष का द्वितीय पत्र जैन दर्शन और विज्ञान, जिसमें हमने चार इकाइयों के विषय में चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करेंगे पांचवी इकाई की, और उसके भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमारा विषय रहेगा ईश्वरवाद, कर्मवाद और अनेकांतवाद, और दूसरा हमारा विषय रहेगा जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु। तो सबसे पहले हम चर्चा करें ईश्वरवाद, कर्मवाद और अनेकांतवाद की, और उसमें भी क्योंकि तीनों इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, ईश्वरवाद की अलग से चर्चा की जाए, कर्मवाद भी, वो आपस में कैसे जुड़े उसकी भी चर्चा करेंगे, और अनेकांतवाद। तो प्रश्न ये हो सकता है सबके मन में कि हम अब तक की जितनी इकाइयां पढ़ी, ठीक है, जैन दर्शन और विज्ञान विषय के अंतर्गत हमें लग रहा था कि हाँ ऐसे विषयों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन जब हम ईश्वरवाद पे आते हैं या कर्मवाद पे आते हैं तो ये सारे सिद्धांत अध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं, तब ऐसा लगता है इसमें वैज्ञानिक क्या चीज है। मैं पहले से ये बता देना चाहती हूँ कि जैन दर्शन में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, चाहे वो कर्मवाद का सिद्धांत हो, अनेकांतवाद का हो या ईश्वरवाद का हो, इनको वैज्ञानिक कहने के पीछे कारण यही है कि इनको वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। एक अंधश्रद्धा के आधार पर इन सिद्धांतों को मान लिया जाए, ऐसी स्वीकृति यहां पर नहीं है। तर्क के आधार पर कुछ समझ करके ईश्वर की सिद्धि करना, किस रूप में सिद्धि करना, क्योंकि ईश्वर को अगर ये मान लिया जाए कि वो इस सृष्टि का कर्ता है, तो कौन कौन से प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं और जिनके उत्तर हमारे पास नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आने से पहले ही और ऐसी स्थिति में न आए, ये कारण रहा हो ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो, ऐसा सिद्धांत जैन दर्शन में दिया गया। ईश्वरवाद को किस रूप में समझाया गया, ईश्वर की स्वीकृति किस रूप में की गई, और दूसरे दर्शनों में जब हम ईश्वर की बात करते हैं और दूसरे दर्शनों की तुलना में जब हम जैन दर्शन को देखते हैं, तब हमें स्वतः समझ में आ जाता है कि वास्तव में जैन दर्शन में ईश्वरवाद का सिद्धांत कितना वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। उसको सुनने और समझने के बाद हमारे पास कोई प्रश्न नहीं रह जाते। अगर अंधश्रद्धा के आधार पर या ऐसे ही कोई मिथ के आधार पर हम उसे स्वीकार कर लें कि हाँ ईश्वर होता है, सृष्टि का कर्ता होता है, जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की वजह से हो रहा है, तो बहुत बड़ी समस्याओं से घिर सकते हैं। लेकिन जहां जैन दर्शन के ईश्वर की बात की जाती है, वहां पर समस्याओं की बात नहीं होती, समाधान स्वतः ही मिल जाता है, या पहले से ही समाधान की भाषा में बताया गया है कि समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। दूसरी बात कर्मवाद की, कर्मवाद के सिद्धांत को भी बड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। एक प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरह हम, हमारी आत्मा कर्मों से बंध जाती है, और किस तरह हमें कर्मों का फल प्राप्त होता है, किस तरह हमारे कर्म उदय में आते, प्रक्रिया बताई गई। मैं कहना चाहूंगी कि जिस चीज को प्रक्रियात्मक रूप में बता दिया जाए, तर्कों के साथ बता दिया जाए, और एक ऐसी बात बता दी जाए कि स्वतः ही वो बात हमारे दिल में उतर जाए, हमें समझ में आ जाए, तो ये कह देना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। तो जहां हम जैन दर्शन में ईश्वरवाद और कर्मवाद की बात करते हैं, तो बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया या वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है इन सिद्धांतों को। पहले हम एक ही कॉन्सेप्ट को ले, ईश्वरवाद को, पहले ईश्वरवाद को समझे, फिर कर्मवाद को समझे, और फिर अनेकांतवाद को। तो सबसे पहले ये समझे कि इस इकाई में हमारे मूलभूत उद्देश्य क्या रहेंगे, हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे उद्देश्य रहेंगे कि हम ईश्वरवाद को केवल जैन दर्शन में ही नहीं समझे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जब तक हम उसे दूसरे दर्शनों के साथ नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि जैन दर्शन कितना वैज्ञानिक है। तो हमें ये भी जानना होगा कि दूसरे दर्शनों में क्या ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, अगर हाँ तो किस रूप में, वो ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, उनके अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और जैन दर्शन में ईश्वर का स्वरूप क्या है, जैन दर्शन ने ईश्वर को स्वीकार किया तो किस रूप में, और नहीं स्वीकार किया तो क्यों नहीं स्वीकार किया। हम जैन दर्शन के अनुसार कर्म के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कर्म की कितने प्रकार, किन किन रूपों में कर्म को समझाया गया, कर्म की कितनी अवस्थाएं, क्या कर्म को भी बदला जा सकता है, क्या हम कर्म को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं, इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे।
पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा, जब हम ईश्वरवाद की बात करते हैं तो सीधा एक दिमाग में प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई ऐसी सत्ता है जिसको हम सर्वशक्तिमान सत्ता कह सकते हैं, क्या कोई एक ऐसी आत्मा है जिसको हम पावरफुल सोल कह सकते हैं, ऐसी आत्मा जो सब कुछ कर सकती है, ऐसी आत्मा या ऐसा व्यक्तित्व या ऐसी सत्ता जो इस यूनिवर्स यानी इस संसार का क्रिएशन करती है, सृजन करती है, सृष्टि करती है, क्या ऐसी कोई सत्ता है जो इस विश्व का नियमन करती है? प्रश्न है कि विश्व का नियमन और विश्व को करने वाली क्या कोई ऐसी पावरफुल यानी कि शक्तिशाली सत्ता है? विविध व्यूज, अलग अलग प्रकार के चिंतन विचारकों के, कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सृष्टि तो है डेफिनेटली, क्योंकि हम इस विश्व में हैं, ये विश्व हमको दिखाई दे रहा है, ये सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, तो सृष्टि तो है, इसका तो अस्तित्व है, लेकिन ये अस्तित्व में कैसे आई? कुछ विचारकों और चिंतकों का मानना है कि कर्म इसका मूलभूत कारण है। वहीं पर कुछ चिंतक ऐसा मानते हैं कि इसका मूल कारण ईश्वर है, ईश्वर ने चाहा इसलिए सृष्टि अस्तित्व में आई। और ईश्वर के साथ साथ उन चिंतकों ने, उन दार्शनिकों ने कर्म को भी स्वीकार किया है। तो यहां पर यह समझ लेना चाहिए कि कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कर्म को स्वीकार करते हैं, तो वहीं पर कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया, लेकिन मात्र ईश्वर को नहीं, ईश्वर के साथ साथ उन्हें कर्म को भी स्वीकार करना पड़ा। कुछ दर्शन ऐसे जिनको हम निरीश्वरवादी कह सकते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन की बात करूं, भारतीय दर्शन की हम बात कर रहे हैं, उनमें से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल रहे। कपिल ईश्वर को मानते थे, नहीं मानते थे, ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं, वहां पर ईश्वर और निरीश्वर होने की कोई चर्चा नहीं मिलती कि कपिल क्या थे। उनके लिए ये मूलभूत प्रश्न नहीं रहे होंगे, लेकिन कपिल के बाद का सांख्य दर्शन माना जाता है, विचारकों का कहना है कि शेश्वरवादी यानी ईश्वर को मानने वाला रहा। लेकिन ईश्वर कृष्ण नाम के व्यक्ति जिन्होंने सांख्य दर्शन को एक नया रूप दिया, एक प्रस्तुति दी सांख्यकारिका के माध्यम से, ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद का यानी ईश्वर कृष्ण के बाद का जो सांख्य दर्शन है वो निरीश्वरवादी है। वहां पे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि एक कारण दिया कि ईश्वर तो होगा तो वो लिविंग बीइंग होगा यानी चेतन होगा, तो चेतन अचेतन जगत का यानी जड़ जगत की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है, वो जड़ जगत को उत्पन्न कैसे कर सकता है, वो जड़ जगत का कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिए वहां पर चेतन ईश्वर को सृष्टि के कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। पर प्रश्न तो था कि सृष्टि में इतनी प्रकार की विविधता है, इतनी प्रकार की डाइवर्सिटी हम देखते हैं, विश्व में सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार की स्थितियां हैं, तो उस स्थिति इन उन स्थितियों का कारण क्या? अगर कोई पावरफुल, अगर कोई शक्तिमान सत्ता नहीं है जो ये सब कुछ सृजन कर सके, तो ये सारा सृजन हुआ कैसे? तो वहां पर भी कहा गया कि ये चीज वास्तव में है, इसलिए कर्म का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है, और किसी प्रकार के ईश्वर की कल्पना करना यहां पर उचित नहीं माना गया। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दो मूल तत्व हैं, 25 तत्वों की वहां पर बात आती है, प्रकृति से पूरे जगत की उत्पत्ति बताई गई है, सारे तत्वों की उत्पत्ति बताई गई है, मूल रूप से दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। तो कहा गया कि पुरुष और प्रकृति के अलावा हमें किसी भी तीसरी सत्ता को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, ये जो यूनिवर्स हमें दिखाई दे रहा है वो प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब उनका वियोग हो जाएगा, अगर उनका वियोग होने का मतलब है इस विश्व का नाश हो जाना, इस विश्व का समाप्त हो जाना, प्रलय हो जाना, तो इनका संयोग ही संसार है, सृष्टि है, जगत है, और इनका वियोग होना ही प्रलय है। सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण के बाद में निरीश्वरवाद पनपा, और निरीश्वरवादी ही कहलाए सांख्य दर्शन को मानने वाले, यहां पर ईश्वर को संसार का या सृष्टि के कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। मीमांसा दर्शन, अगर हम मीमांसा दर्शन की बात करें कि ऐसा दर्शन जहां पर कर्म कांड को बहुत महत्व दिया गया, और उन्होंने
कर्मकांड को महत्व देने का अर्थ है कि यज्ञानुष्ठान को बहुत महत्व दिया जाता था और उनके अनुसार यज्ञानुष्ठान करने से एक स्पेसिफिक पावर यानी विशेष प्रकार की शक्ति जिसको अपूर्व कहा जाता है, जिसको कर्म संस्कार भी कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, वो संस्कार बनता है और उस कर्म संस्कार के अनुसार ही समय के अनुसार कर्म संस्कार के अनुसार समय के अनुसार यानी अमुक समय बीतने के बाद में उस कर्म का फल प्राप्त होता है। तो वहां पर भी ईश्वर को स्वीकार करने की कोई बात नहीं मिलती कि कर्म का फल देने वाला कोई ईश्वर होता है, ऐसी कोई चर्चा मीमांसा दर्शन में नहीं की गई। मीमांसा दर्शन में भी ईश्वर को कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। भगवान बुद्ध, बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन में भी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध दर्शन इस अलौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जब हम ईश्वर की बात करते हैं ऐसा ईश्वर हमको दिखाई तो नहीं देता, तो अलौकिक सत्ता की जहां बात आती बौद्ध दर्शन ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। और बुद्ध भगवान तो यहां तक कहते थे कि अगर निर्वाण हमारा लक्ष्य है, मूल लक्ष्य हमारा निर्वाण है, तो हमें लोक की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, इन सब चर्चाओं से क्या मतलब। और जब भगवान बुद्ध से ये सारे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर अव्याकृत ऐसा कह करके दे दिया कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। वे मौन रहे, वे चुप रहे, अव्याकृत कह दिया इन प्रश्नों का उत्तर वे नहीं दे, उन्होंने नहीं दिया। और उनका कहना यह था कि अगर निर्वाण को प्राप्त करना है तो सिर्फ चार आर्य सत्यों को जान लो, और वे चार आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध होता है और दुख निरोध के उपाय हैं। अगर व्यक्ति इन सब चीजों को समझ ले तो निर्वाण मिल गया, फिर बाकी सब चर्चाओं में क्यों जाए। तो भगवान बुद्ध ने भी ईश्वर के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया और उनका मानना ये था कि ईश्वर में विश्वास करने का अर्थ है अकर्मण्यता को जन्म देना। यानी जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वो सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देगा, फिर वो पुरुषार्थवादी नहीं रह पाएगा, पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, अकर्मण्य बन जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने भी ईश्वर के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया। वहां पर सृष्टि का मूल कारण बताया गया, क्योंकि कारण कार्य का सिद्धांत है, वहां पर प्रतित्य समुत्पाद की बात की गई, अविद्या मूल कारण बताया गया, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप षडायतन, ऐसे करते करते जाति जरा मरण तक की स्थिति को बताया गया। 12 कारण ये बताए गए जिसकी वजह से भवचक्र के और बताए गए, इनमें से एक भी नहीं हो तो भवचक्र नहीं हो पाएगा। तो भवचक्र के कारण बताए गए, ये संसार क्यों हुआ, इन सब कारणों के कारण, एक कारण दूसरा कार्य, जो कार्य फिर कारण बना फिर कार्य, इस तरह से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और ये संसार भी चलता रहता है। और हमें जो विचित्रता दिखाई दे रही है, वैसे देखा जाए तो बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म को स्वीकार किया, क्योंकि ये संसार में विविधता और विचित्रता दिखाई दे रही है, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो कर्म के रूप में उसे स्वीकार किया गया। अब मैं आऊं जैन दर्शन पे। आप देखिए, हम सब उन दर्शनों की बात कर रहे हैं जहां पर ईश्वर को इतना महत्व नहीं दिया गया, ईश्वर को सृष्टि के कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं इन सारे दर्शनों ने कर्म को स्वीकार किया। भगवान महावीर ने ईश्वर के सिद्धांत के बारे में क्या कहा, या जैन दर्शन ईश्वर के सिद्धांत को किस रूप में समझाता है, क्योंकि जब ईश्वर की बात करते हैं तो हमारे मन में यही चिंतन होता है कि ईश्वर अर्थात कोई इस सृष्टि को करने वाला, इसका पालन, इसको जन्म देने वाला, इसका पालन करने वाला, इसका संहार करने वाला। तो मैं कहना चाहूंगी विद्यार्थियों को कि जैन दर्शन में ऐसे ईश्वर को कोई स्थान नहीं है, कर्ता हर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पर ईश्वर न तो क्रिएटर है, न डिस्ट्रॉयर है, न प्रोटेक्टर है, ईश्वर माना गया है, लेकिन किसे, प्योर सोल को, पवित्र आत्मा को, ऐसी आत्मा जो सारे कर्मों से मुक्त हो चुकी है, ऐसी आत्मा जो निर्मल हो चुकी है, ऐसी आत्मा जो फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाली है। और ईश्वर शब्द उस आत्मा के लिए प्रयोग में लाया गया, उस आत्मा के लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ, जैसे परमात्मा, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सिद्ध और मुक्त आत्मा, इन शब्दों का प्रयोग जैन दर्शन में प्रचलित है। ईश्वर शब्द भी वहां पर मिलता है इन्हीं आत्माओं के लिए, जो आत्माएं मुक्त है, जो आत्माएं सिद्ध है। अर्थात ईश्वर को स्वीकार किया गया, लेकिन ईश्वर को पवित्र आत्मा के रूप में ही स्वीकार किया गया, इस संसार के कर्ता हर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि कर्ता मानने का अर्थ यह होगा कि ईश्वर के भीतर राग द्वेष है, क्योंकि इस संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है। अगर ईश्वर ने ही सब कुछ किया तो सुखी भी ईश्वर ने बनाया, दुखी भी ईश्वर ने बनाया। और जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर वही है जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, जो सारे कर्मों से अतीत हो चुका है, जो सारे कर्मों से मुक्त हो चुका है। तो अगर ऐसे ईश्वर की स्वीकृति हो तो
तो वहां पर हमें स्वतः समझ में आ जाता है कि सिद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, कर्मों से रहित आत्मा कभी भी इस सृष्टि का सृजन नहीं कर सकती। यहां पर जिस आत्मा को मुक्त आत्मा कहा, वो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र से युक्त आत्मा है। ऐसी आत्मा को यहाँ पर ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया। अगर हम योग फिलॉसफी की बात करें, योग दर्शन की बात करें, योग दर्शन ने भी 25 तत्वों को माना, जिन तत्वों को सांख्य दर्शन ने माना, लेकिन यहाँ पर एक और अस्तित्व को स्वीकार किया गया, वो है ईश्वर का अस्तित्व। यहाँ से ईश्वर के अस्तित्व की बात आई, लेकिन देखिए योग दर्शन ने भी ईश्वर को उस रूप में स्वीकार नहीं किया है। योग दर्शन में बहुत अच्छी परिभाषा दी गई ईश्वर की, कि वह आत्मा ईश्वर कहलाती है जो क्लेश से, कर्म से, कर्म फल से और वासना से मुक्त है। सुंदर परिभाषा दी गई, वह आत्मा ईश्वर है जो नित्य मुक्त है। और उन्होंने भी बिल्कुल जैन दर्शन की तरह ईश्वर को इस सृष्टि का कर्ता नहीं माना, लेकिन ईश्वर को उन्होंने उस रूप में स्वीकार किया कि जो भी भक्त हैं, जो ईश्वर में भक्ति रखते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें समाधि के पथ पर ले जाना ईश्वर का काम है। और वहां पर ईश्वर प्रणिधान की बात की जाती है, यानी सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, कर्म कर देना, लेकिन कर्म का फल क्या मिलेगा वो ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ईश्वर प्रणिधान की बात वहां पर आती है, तो भक्ति की बात वहां पर आती है, तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देने की बात आती है। इसका मतलब ईश्वर के अस्तित्व को वहां पर स्वीकार किया गया है। ईश्वर कोई विशिष्ट आत्मा होती है, उसे स्वीकार किया गया है। हालांकि उसे कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन विशिष्ट आत्मा के रूप में, एक ऐसी आत्मा के रूप में जो क्लेश, कर्म और कर्म फल से मुक्त है, उसे स्वीकार किया गया। और यहां तक माना गया कि वो भक्तों को सहायता करती है समाधि पथ पर प्रगति कराने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। वेदांत फिलॉसफी की बात करें, यानी वेदांत दर्शन की बात करें, तो वेदांत दर्शन में भी ईश्वर को स्वीकार किया गया। और वेदांत दर्शन में तो ईश्वर को कर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि ईश्वर, अगर ईश्वर ने सृष्टि को बनाया तो क्या उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बनाया? क्योंकि जहां हम ईश्वर की बात करते हैं तो इच्छा पूर्ति की बात तो रहती नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो इच्छाओं से अतीत है, इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, कामनाओं से ऊपर उठ चुका है। लेकिन जब हम ये प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर इच्छा पूर्ति के लिए इस यूनिवर्स को बनाता है या इस विश्व को बनाता है, इस सृष्टि का निर्माण करता है, तो कहा गया नहीं, वो तो सारी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, अपनी इच्छा के लिए नहीं बनाता, ये तो बस ईश्वर की लीला है। अब जब लीला शब्द आता है तब ऐसा लगता है तो एक तो खेल है ईश्वर का, तो ये क्या बिना किसी प्रयोजन के खेल करता है? प्रश्न उठ सकता है। वेदांत में बताया गया ये तो केवल ईश्वर की लीला है, तो बोले ईश्वर की लीला ईश्वर का स्वभाव है, और अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है। इसमें उसको कोई प्रयोजन नहीं है, उसका नेचुरल एक्ट है, एक स्वाभाविक क्रिया है। अगर हम न्याय फिलॉसफी की बात करें, यानी न्याय दर्शन की बात करें, तो वहां पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और ऐसा ईश्वर जो सृष्टि का कर्ता है, जो सृष्टि का नाश करता है और जो सृष्टि का रक्षण भी करता है, यानी एज अ क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रोटेक्टर, यहाँ पर ईश्वर को स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि ये अनुमान प्रमाण से मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर जीवों को अपने कर्मों का फल मिल रहा है तो कर्मों का फल कौन दे रहा है? उन कर्मों के फल को देने वाला कोई होना चाहिए, और कोई होना चाहिए तो कौन हो सकता है? तो कोई सर्वशक्तिमान सत्ता ही हो सकती है जो जीवों को कर्मों का फल प्रदान कर सकती है। और इसके आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर, ईश्वर को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वो कोई सर्वशक्तिमान सत्ता ही होगी, वो ईश्वर ही हो सकता है। और वेद को भी ईश्वर वाक्य माना गया है। अगर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वेदों की सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा न्याय दर्शन के अनुसार। और इसीलिए उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वेदों की सत्ता को स्वीकार किया है। अगर वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने का प्रश्न ना भी उठता। लेकिन न्याय दर्शन का कहना है कि वेद है, तो वेद तो ईश्वर वाक्य है, इसका मतलब ईश्वर भी है। एक बात समझें कि न्याय दर्शन में भी ईश्वर को निमित्त कारण माना गया है, उपादान कारण तो कुछ और है। यानी ये सृष्टि जो बनी है उसका मूलभूत कारण तो परमाणु है, और निमित्त कारण ईश्वर है। ईश्वर चाहता है तब इन परमाणुओं के माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है। तो मूल कारण यानी उपादान कारण, दो प्रकार के कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण तो परमाणु को माना गया और निमित्त कारण ईश्वर को माना गया। अब न्याय दर्शन ने जब ईश्वर को स्वीकार किया है, सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकार किया है,
एक ऐसी सत्ता के रूप में माना है कि वो सृष्टि का निर्माण कर सकती है, तो वो ईश्वर किस रूप में है, उसका स्वरूप क्या है? तो कहा गया कि एक ऐसी आत्मा जिसमें धर्म है, ज्ञान है, समाधि है, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा ईशित्व प्राप्ति वशित्व ऐश्वर्य जैसी सिद्धियां हैं, उसे ही ईश्वर कहा जाता है। एक विशिष्ट प्रकार की आत्मा जो विशिष्ट सिद्धियों से युक्त है, विशिष्ट लब्धियों से युक्त है, उसे ही ईश्वर कहा जाता है। अगर हम न्याय दर्शन में मान्य ईश्वर के ऊपर कुछ समीक्षात्मक अध्ययन करें, ऐसे कुछ प्रश्न जिनका उत्तर अगर न्याय दर्शन से मिल भी जाए तो हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ ईश्वर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ईश्वर को जहां पर स्वीकार किया गया वहां पर कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जिनका कोई उत्तर नहीं होता, और उत्तर का न होना कभी कभी ऐसा लगता है कि उस सिद्धांत को मानने में बाधा पैदा करता है। तो न्याय दर्शन की कुछ समीक्षा करें कि अगर न्याय दर्शन ने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता हर्ता माना है, तो एक प्रश्न उठता है कि न्याय दर्शन का जो ईश्वर है वो शरीर युक्त है या शरीर रहित है? क्योंकि अगर शरीर युक्त है तो फिर प्रश्न उठेगा कि वो दृश्य शरीर वाला है या अदृश्य शरीर वाला है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो अदृश्य शरीर वाला है, क्योंकि अगर दृश्य शरीर वाला होता तो आज तक आपने देख लिया होता, हमने देख लिया होता। हम देखते हैं सृष्टि में बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, लताएं बढ़ती हैं, हमको लगता है कि निश्चित ही कोई ना कोई इसका उत्पादक होना चाहिए, कोई ना कोई उसको पैदा करने वाला होना चाहिए, कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए। अब ये कार्य हम जब देखते हैं तब हमको लगता है कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और हम इसीलिए ईश्वर को मानते हैं, जैसा कि न्याय दर्शन ने माना, अनुमान लगाया कि कार्य है तो कारण होना चाहिए और वो ईश्वर है। लेकिन वो विजिबल तो नहीं है, वो दिखाई तो नहीं देता, तो ये मानना पड़ेगा कि वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता। अब दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो जाता है उसको देखने पर कि अगर ईश्वर है तो उसका शरीर भी है, मान लिया उसका शरीर भी है तो वो चाहे इनविजिबल भी है, चाहे विजिबल है चाहे इनविजिबल है, कैसा भी है उसका शरीर है, उस शरीर वो जो शरीर है वो कौन से कर्म का परिणाम है? क्योंकि शरीर का प्राप्त होना किसी न किसी कर्म का फल होता है, किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। क्योंकि ईश्वर होगा तो वो पुण्य पाप से रहित होगा, ना तो उसके पुण्य होंगे ना पाप होंगे, तो अगर ना कोई शुभ कर्म होगा ना कोई अशुभ कर्म होगा, तो ईश्वर का शरीर अगर उसे प्राप्त हुआ है तो कौन से कर्म का परिणाम है? तो फिर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हमें उत्तर नहीं मिल पाता है। अगर न्याय दर्शन ये कहे या न्याय दर्शन में ये मान लिया जाए कि ईश्वर को तो हमें एक लीला समझ लेना चाहिए, सृष्टि जो है वो ईश्वर की एक लीला मान ले, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके पास हर प्रकार की शक्ति है, तो एक ईश्वर की लीला मान ले। अगर ये भी मानना थोड़ा उचित नहीं लगता, क्योंकि जब हम लीला कहते हैं, ईश्वर की लीला कह दी, तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन हम जब इस विश्व को देखते हैं तो एक व्यवस्थित विश्व हमारे सामने आता है, और इतना व्यवस्थित विश्व देखा तो उसके पीछे कोई ना कोई नियम होना चाहिए, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। इतना व्यवस्थीकरण अगर इस विश्व में दिखाई दे रहा है तो वो मात्र ईश्वर की लीला नहीं हो सकती। ये भी मानना कि ईश्वर की लीला ही सृष्टि है थोड़ा उचित नहीं लगता। इन सब बातों पर चर्चा की हमने कि जो ईश्वरवादी है वो ईश्वर को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो निरीश्वरवादी है वो ईश्वर को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। सबका सार यही निकलता है कि ये जो विश्व है, ये जो सृष्टि है, वो किसी के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो स्वतः बनी है, और इसका कोई आदि बिंदु या अंतिम बिंदु नहीं है या अंत नहीं है। ये थी है और रहेगी, इसमें परिवर्तन आ सकता है लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम ईश्वर को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने जाएं तो ईश्वर की सिद्धि होने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, थोड़ी समस्या आ रही है, ईश्वर की सिद्धि हो नहीं पा रही है। दार्शनिक दृष्टिकोण को लें, अगर हम ईश्वर को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो हमें ये मानना पड़ेगा, कुछ बातें आती है जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि अगर ईश्वर वास्तव में है दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको संसार को संसार का कर्ता होना चाहिए, उसको इस विश्व का कर्ता होना चाहिए, इसको इस विश्व का नियंता होना चाहिए, कोई ना कोई इस विश्व का नियामक चाहिए। और ईश्वर को वास्तव में हम मानते हैं तो ईश्वर ही उसका नियंता होना चाहिए, और अगर ईश्वर की वास्तव में सत्ता है
तो हमें अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल देने वाला भी ईश्वर ही होना चाहिए। लेकिन इन तीनों चीजों पर जब चिंतन करते हैं तो हमें समाधान प्राप्त नहीं होता, या ऐसा कहना चाहिए कि हमें सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि हो जाए, ऐसा उत्तर नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम ईश्वर को क्रिएटर मान भी लें, कर्ता मान भी लें, तो वो कर्ता अगर शक्तिशाली है तब तो प्रश्न अलग होंगे। अगर प्रश्न सबसे पहले मैं यही प्रश्न उठाऊं कि क्या वो कर्ता शक्तिशाली है या शक्ति रहित है, आप सोच रहे होंगे ईश्वर की बात कर रहे हैं, इतनी देर से चर्चा की हमने, शक्तिशाली ही होना चाहिए। लेकिन मान लें कि अगर ईश्वर शक्तिशाली है तो ये यूनिवर्स में हमको, ये विश्व में हमको जो इतनी कमियां दिखाई दे रही है, वो कमियां क्यों? एक सामर्थ्यवान सत्ता अगर विश्व की सृष्टि कर, विश्व का सृजन कर रही है, तो उस विश्व में, उस सृष्टि में इतनी कमियां क्यों? दूसरी बात, अगर वो पावरफुल नहीं है, अगर वो शक्तिशाली नहीं है, तो उसको कर्ता कैसे कहा जा सकता है? बिना शक्ति के कोई विश्व का कर्ता हो ही नहीं सकता, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये मानना ही उचित है कि यूनिवर्स इज नथिंग बट इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड मैटर। देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई आवश्यकता नहीं हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, क्योंकि जीव और अजीव, जीव और पुद्गल के संयोग से ही सृष्टि बनती है और सृष्टि हमेशा रहती है। अगर हम ईश्वर को नियामक होने की बात करें तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ईश्वर प्राकृतिक नियमों से चल, ईश्वर के माध्यम से ये संसार नहीं चल रहा है, संसार प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। इवन आइंस्टाइन और हॉकिंस जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो संसार चल रहा है उसके लिए हमें नेचुरल लॉज को मानना पड़ेगा, नेचुरल लॉज से ही सब कुछ चल रहा है और स्वतः चल रहा है। और नेचुरल लॉज जो होते हैं वो किसी के द्वारा क्रिएट नहीं होते हैं, नेचुरल लॉज हमेशा बने हुए होते हैं, प्राकृतिक नियम है, वो किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। अगर आत्मा मुक्त भी हो रही है तो वो प्राकृतिक नियमों से हो रही है, और अगर पुद्गल में और परमाणु में किसी तरह का परिवर्तन भी आ रहा है, आता है, और वो परिवर्तन भी आ रहा है, वो भी तो प्राकृतिक नियमों के माध्यम से आ रहा है। अब आत्मा की जब हम बात करते हैं कि अब अगर ईश्वर है तो हर आत्मा को, हर जीव को अच्छे का अच्छा, बुरे को बुरा फल भी ईश्वर के माध्यम से ही मिलना चाहिए। लेकिन जैनिज्म में कहा गया है कि स्वयं आत्मा में इतनी कैपेसिटी है कि वो स्वयं कर्ता होती है, वो स्वयं भोक्ता होती है। किसी और सत्ता की अपेक्षा नहीं है किसी चीज का भोग कराने के लिए, हमारे कर्मों के फल को दिलाने के लिए हमें किसी और सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही आत्मा अच्छे कर्म, अच्छी क्रियाएं करके, अच्छे कर्म करके अच्छे कर्मों का बंधन करती है, और बुरे कर्म करके, बुरी क्रियाएं करके बुरे कर्मों का बंधन करती है, और उसके परिणाम स्वरूप उसे अमुक समय के बाद में स्वतः ही एक प्राकृतिक नियम के अनुसार उसे फल मिल जाता है। जब वो कर्म उदय अवस्था में आते हैं उसे फल प्राप्त हो जाता है। अगर यूनिवर्स को सचमुच क्रिएट किया गया है, यानी यूनिवर्स को सचमुच बनाया गया है, इस विश्व का सचमुच में सृजन हुआ है, इसका कोई कर्ता है, और भगवान या ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो इसको, उसका नियामक तत्व है या उसका कर्ता है, तो उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे इंटेंशन क्या था, इस सृष्टि को बनाने के पीछे प्रयोजन क्या था? तो ऐसा मिलता है, चिंतकों के ऐसे विचार हैं कि वहां कहा गया कि शायद उनका प्रयोजन करुणा रहा हो, लेकिन यह मानना भी उचित नहीं लगता। करुणा अगर उनका प्रयोजन होता तो विश्व में कहीं पर दुख नहीं दिखाई देता, लेकिन ये विश्व तो दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर करुणा का परिणाम ये विश्व दिखाई नहीं दे रहा। हम वास्तव में देखते हैं कि इस विश्व में हर प्रकार की स्थितियां हैं, हमें सुख दिख रहा है लेकिन उसके साथ साथ दुख भी बहुत दिख रहा है, तो करुणा का प्रयोजन नहीं हो सकता। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर को स्वीकार करेगा उसके ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होगी, एक तरह से कहना चाहिए ईश्वर के प्रति अंधश्रद्धा होगी। वो यही सोचेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर के माध्यम से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा, मैं अच्छा भी कर रहा हूँ तो भी ईश्वर के माध्यम से, मैं बुरा भी कर रहा हूँ तो भी ईश्वर के माध्यम से। अच्छी बात है, हम सब कुछ जो करते हैं वो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। एक मान्यता चल पड़ी है कि ईश्वर ग्राम की कोई सत्ता है और वही सब कुछ करा रहा है, लेकिन व्यक्ति जब इतना उस रूप में उस चीज को स्वीकार करने लग जाए, धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, अंधश्रद्धा जैसी पैदा हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर से ही हो रहा है, ईश्वर ही सबको सब कुछ देता है, हर समय पर देता है,
किसी को वो किसी चीज से वंचित नहीं रखता। पशु पक्षी भी हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास इतना विकसित दिमाग नहीं है, लेकिन ईश्वर उनको भी खाने पीने को देता है। ईश्वर सारे संसार का रक्षण कर सकता है, ईश्वर सारे विश्व का पोषण कर सकता है, ईश्वर के पास शक्ति है। अगर ये मान लिया जाएगा धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर, हम देखिए ये मान लिया जाएगा, तो फिर इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति को उत्साह से रहित बना देगी, कोई काम करने के योग्य नहीं रख पाएगी, व्यक्ति अकर्मण्य बन जाएगा। अगर नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि नैतिकता किसके आधार पर टिकी है, नैतिकता का अर्थ यह है कि व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसका जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है, वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई भी क्रिया कर रहा है। अगर ईश्वर को स्वीकार कर दिया तो व्यक्ति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएगा, मॉरालिटी स्टैंड नहीं कर पाएगी, नैतिकता का सिद्धांत रह नहीं पाएगा। तो नैतिकता के सिद्धांत पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर हम ईश्वर को सब कुछ मान लेंगे, क्योंकि हमसे जो भी काम हो रहा है चाहे वो नैतिक है अनैतिक है, हम नहीं कर रहे हैं, वो तो ईश्वर करवा रहा है, तो हम अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार नहीं समझ पाएंगे, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देंगे और हम नैतिक नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि ईश्वरवाद को मानने में, यानी ईश्वरवाद को इस रूप में मानने में कि ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता है, ईश्वर ही सृष्टि का रक्षण करने वाला है और ईश्वर ही इस सृष्टि का नाश करने वाला है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। कुछ दार्शनिकों ने जिन्होंने ईश्वर को इस रूप में स्वीकार किया है वो भी कई प्रश्नों के उत्तर में निरुत्तर हो गए। जैन दर्शन ने ईश्वर को माना लेकिन ईश्वर को एक परमात्मा के रूप में, एक पवित्र आत्मा के रूप में, एक मुक्त आत्मा के रूप में, सिद्ध और बुद्ध के रूप में स्वीकार किया, न कि इस सृष्टि को करने वाला माना, क्योंकि सृष्टि को करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति के भीतर कुछ राग है कुछ द्वेष है, और जिसके भीतर राग और द्वेष है वह व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वरवाद की हमने संक्षिप्त में चर्चा की कि ईश्वरवाद को हम, ईश्वर को अगर स्वीकार भी करें तो किस रूप में स्वीकार करें, वो ज्यादा वैज्ञानिक लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैन दर्शन का सिद्धांत है ईश्वरवाद का, वो वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी चीज बताई गई जिसके सामने कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। अगर हम जैन दर्शन में भी ये स्वीकार कर लिया जाता कि हाँ, जैसे दूसरे दर्शनों ने माना है कि ईश्वर होता है, वह सृष्टि का कर्ता होता है, अगर ये स्वीकार कर लिया जाता तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जैन दर्शन के पास भी नहीं होता, वो निरुत्तर होते, प्रश्न न दे पाने के कारण वो वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध नहीं हो पाता। और आज इस सिद्धांत को जिस रूप में दार्शनिकों ने बताया है, जिस रूप में भगवान महावीर ने समझाया है, ऐसा कहा जा सकता है कि ईश्वरवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है। हम कर्मवाद की भी चर्चा करेंगे कि कर्मवाद का सिद्धांत किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो हम अगले लेक्चर में कर्मवाद क्या है, उसको विभिन्न दर्शनों में माना गया या नहीं माना गया, या जैन दर्शन में माना तो किस रूप में माना, और वो भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे है। ओम।